हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट। तो अपन इवोल्यूशन पूरा देख लिया है, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन एंड एवरीथिंग वी हैव सीन, राइट? व्हाट इज इवोल्यूशन एंड एवरीथिंग। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जो मैंने सेकंड पार्ट में कराया। द रीजन वाज क्योंकि तुमको पहले इवोल्यूशन क्लियर हो जाए, तो ये जो थोड़ा पार्ट थोड़ा सा अजीब सा है वो तुमको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अच्छा, और हेरिडिटी होता क्या है? सो वी नो वन थिंग, वी लुक लाइक आवर पेरेंट्स, नॉट एग्जैक्टली द सेम, वी लुक सिमिलर। सो व्हाट हैपेंस इज, अपने पापा मम्मी में जो जीन्स होते हैं, राइट, वही अपने डीएनए वगैरह ट्रांसफर वही होता है, ठीक है? जीन्स आर ट्रांसफर्ड, राइट? सो दैट ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज हेरिडिटी। सो व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी इज ट्रांसफर्स ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, किसी की आंख मम्मी की तरह, किसी के नाक मम्मी की तरह, कोई बाजू वाले की तरह। ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया समथिंग कॉल्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट जीन्स। इज कॉल्ड एज हेरिडिटी एंड द डिफरेंसेज आर वेरिएशन, ठीक है? नाउ सडन इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन द पेज नंबर 1 ऑफ द टेक्स्ट बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि भैया तुम्हारे जो ग्रिगोर मेंडल इज पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, पायनियर का मतलब होता है इन्होंने ओरिजिनेशन किया था मॉडर्न जेनेटिक्स का। पहले तो लोग इसको पागल समझते थे, ही वाज बेसिकली स्टैटिस्टिशियन मैथमेटिशियन बेसिकली, एंड ही वाज बेसिकली अ मॉन्क आल्सो। सो इन्होंने पी प्लांट के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट्स तुमने लास्ट टाइम देखा हुआ है ना, कैरेक्टर्स वगैरह अलग अलग बहुत अच्छी तरह से मैंने तुमको लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। सो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किया है, लेकिन ये अपने टाइम के बहुत आगे थे, लोगों इनको समझ ही नहीं पाया कभी। लेकिन आज हम उनकी जो पढ़ाई को पढ़ते हैं, उनकी उन्होंने जो दिया था उसको हम पढ़ते हैं, तो वी अंडरस्टैंड दैट ही हैज गिवन अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन दैट यू दैट यू हैव स्टडीड अ बिट इन द लास्ट स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है? उसके बाद फिर बहुत सारे लोग आए, तो यू कैन जस्ट रीड इट, वॉल्टर एंड सुटन, यूडो ग्रीवाइस, ये सब की स्टडी तुमको कर लेना, एक बार रीड कर लेना, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है? बच्चों द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी स्टडी हेरिडिटी एंड वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेरिडिटी, व्हाई डू वी स्टडी इट, ठीक है? यूज ऑफ हेरिडिटरी साइंस, हमको पढ़ना क्यों है, रीजन क्या है बच्चों? देखो बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। You know, you won't understand and you won't relate to me now, but when you go to higher standards and if you take science, you will understand there is a branch called as genetic engineering, bachcho. Jahan par hum actual mein genes ko edit kar sakte hain. CRISPR gene technology usko bolte hain, jahan par hum genes ko actual mein edit kar sakte hain. Tumko pata hai, everything is written in your genes, right? You know one thing. I'll explain also ki cell ke andar kaise kya hota hai, that I will explain. But you know one thing, everything is written in your genes. Around 20-25,000 genes होते हैं अपने body में, and everything is written on your genes. So if we can edit the portion which is, let's say, causing some disease, if we are able to do it, then we can change the world, बच्चो. Then we can change a lot of things. Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome, जो 9th तुमने पढ़ा था, और बहुत सारी चीजें तुम eliminate कर सकते हो. Even diabetes and lot of other cancer and everything, lot of other things also. So this particular science, it is useful in diagnosis, मतलब पता करना, treatment and prevention of hereditary disorder, बीमारियों को खत्म करना। एक दिन ऐसा आएगा बच्चों, मेरी बात मान के चलो, अपने जीवन काल में पॉसिबल है कि पता नहीं, लेकिन एक टाइम जरूर ऐसा आएगा बच्चों जहां पर
अपन कैसा बोलते हैं, मेरे को सर्दी हुई है आज, नॉर्मल है ना एकदम। अगर मैं तुमको बोलूँ मेरे को सर्दी हुई है आज, तुम क्या बोलोगे? भैया नॉर्मल है, क्या आप कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो। ऐसे एक दिन ऐसा आएगा बच्चों जहाँ पर हम कैंसर को बोलेंगे, मेरे को कैंसर हुआ, जरा ठीक करा कराता हूँ मैं, ऐसा भी टाइम आएगा। एंड दिस विल डू, एंड दिस वर्क विल बी मोस्टली डन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी दैट वी आर हैविंग राइट नाउ। ठीक है, लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज अवेलेबल इफ यू वॉन्ट टू, यू कैन सी एंड यू कैन एक्चुअली एंजॉय सच डॉक्यूमेंट्रीज। बच्चों उसके बाद और क्या क्या फंक्शंस है इसके? बेटा अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, वॉट वी वॉन्ट इज द क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन शुड बी द बेस्ट। सो देर इज अ मेथड बाय विच वी कैन टेक द सुपीरियर जीन ऑफ प्लांट और एनिमल एंड वी कैन एक्चुअली प्रोड्यूस सम वेरी गुड रिजल्ट्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक प्लांट में न्यूट्रिशन क्वालिटी अच्छा, दूसरे प्लांट में डिजीज रेजिस्टेंट है, बीमारियां नहीं होती उसको। तो वी कैन एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग वी कैन एक्चुअली डू टिश्यू कल्चर एंड ऑल दिस थिंग्स एंड वी कैन एक्चुअली प्रोड्यूस सम सुपीरियर क्वालिटी क्रॉप्स एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स। दैट ऑल्सो कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ हेरिडिटरी साइंस। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, और प्लांट्स एनिमल्स। ठीक है बच्चों, एंड वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। वेयर माइक्रोब्स आर यूज्ड, आई एम श्योर तुम्हारे घर पे किसी ना किसी को डायबिटीज होगा, इंसुलिन भी लेते होंगे कोई ना कोई, तुमको शायद पता होगा तुम्हारे कोई नजर में। बच्चों पहले इंसुलिन हमको हॉर्स के पेनक्रियास से निकाल करके निकालना पड़ता था, उस चक्कर में वो हॉर्स का भी, वो हॉर्स भी बेचारा मरता था, और जो भी एनिमल्स हम यूज करते थे मरता था, इन द सेंस उनकी लाइफ क्वालिटी खराब हो जाती थी, एक्सपेंसिव भी होता था, तो हॉर्स में कोई बीमारी तो अपने में भी आ जाती थी। लेकिन आजकल वैसा नहीं होता है बच्चों, हम वो पर्टिकुलर जीन जो हमको चाहिए वो इंसर्ट कर सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत फास्ट स्पीड से इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकती है बल्क में। और उससे क्या होगा बच्चों, पैसे बचेंगे, यस, फास्ट होगा, यस, इजीली अफोर्डेबल होगा, यस। तो आज कितने लोग इंसुलिन लगा पा रहे हैं और कितने लोगों को तो डायबिटीज आजकल नॉर्मल हो, कितने लोगों को होता है, बराबर के नहीं? सो दैट ऑल्सो वी कैन डू, द लॉट ऑफ अदर एप्लीकेशन ऑल्सो, द लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो, बट एज ऑफ नाउ यू शुड रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स।